जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन और दोस्तों रेडमी की तरफ से आने वाले दूसरे स्मार्टफोन के बीच में होने वाले कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों वो दोनों स्मार्टफोन कौन से है? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों ही स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो दोस्तों एक तो है ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन और दोस्तों दूसरा है रेडमी का नोट 10 T5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर होने वाली और दोस्तों दोनों इस वीडियो में मैं आपको दोनों स्मार्टफोनों की स्पेसिफिकेशन के साथ साथ फीचर के साथ साथ प्राइस रेट में भी कंपैरिजन बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखना। अब दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के भरी धमाकेदार टेक्निकल वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इन दोनों स्मार्टफोनों के बीच में होने वाले कंपैरिजन को आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों स्मार्टफोनों में आपको कितना कितना कंपैरिजन देखने को मिलने वाला है, साथ में दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। क्यों दोस्तों स्पेसिफिकेशन एंड दोस्तों प्रोसेसर के साथ आपको पता चलेगा। और दोस्तों यदि इनकी स्पेसिफिकेशन की माने तो दोस्तों सभी दोनों स्मार्टफोनों में आपको सिमिलर देखने को मिलने वाले। पर दोस्तों वीडियो के एंड में आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोनों में कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोनों के डिस्प्ले एंड रिफ्रेश रेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन की। तो दोस्तों इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाले, साथ में दोस्तों इस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोस्तों आपको 60Hz की ही देखने को मिलने वाली। वही दूसरी ओर बात करें दोस्तों रेडमी नोट 10T की, तो दोस्तों रेडमी नोट 10T में आपको दोस्तों 6.4 इंच का, हाँ दोस्तों 6.5 इंच का, हाँ दोनों स्मार्टफोन दोस्तों आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों ओप्पो स्मार्टफोन में आपको दोस्तों 60Hz का डिस्प्ले मतलब रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। वही दूसरी ओर बात करें दोस्तों रेडमी की, तो दोस्तों उस स्मार्टफोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों वो आने वाला है इनका प्रोसेसर को लेकर, यानी दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रोसेसर की बात करें सबसे पहले ओप्पो स्मार्टफोन में, यानी ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन में, तो दोस्तों इसमें आपको मीडियाटेक डायमंडसिटी 700 चिपसेट के साथ आने वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला। वहीं दूसरी ओर बात करें दोस्तों रेडमी नोट 10T की, तो दोस्तों रेडमी नोट 10T में भी आपको दोस्तों मीडियाटेक डायमंडसिटी 700 चिपसेट के साथ आने वाला प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में एंड डिस्प्ले के मामले में दोस्तों आपको ये दोनों स्मार्टफोन यानी स्पेसिफिकेशन सिमिलर आपको देखने को मिलने वाले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की तरफ, यानी नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन की तरफ। तो दोस्तों वो आने वाले इनकी स्टोरेज स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन यानी स्टोरेज कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो रेड ओप्पो A53s स्मार्टफोन की। तो दोस्तों इसमें आपको 6GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला। साथ ही दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों पहला तो है 4GB रैम और 264GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला स्टोरेज वेरियंट, और दोस्तों दूसरा है 6GB रैम और दोस्तों 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला स्टोरेज वेरियंट। तो दोस्तों स्टोरेज वेरियंट के मामले में आपको कंपेरिजन सीधा सीधा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 6 ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन के दूसरे कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों इनका दूसरा कंपैरिजन आने वाला इनका कैमरा सेटअप को लेकर, यानी इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कैमरा सेटअप कौन कौन सा देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों दोनों पहले ही बता दू, सेटअप बताने से पहले मैं आपको पहले ही बता दू, दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला। साथ में दोस्तों इसमें आपको नोच डिस्प्ले पर सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला दोनों स्मार्टफोन में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन को रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलने वाला, और दोस्तों 2 मेगापिक्सल दो मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर या फिर मैक्रो लेंस के साथ आपको लेंस देखने को मिलने वाले। और दोस्तों इस स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन की बात करें यानी रेडमी नोट 10T की रियर साइड के कैमरे की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलने वाला, और दोस्तों 2 मेगापिक्सल इसके डेप्थ सेंसर या फिर मैक्रो लेंस के साथ आपको लेंस देखने को मिलने वाले, यानी ट्रिपल रियर कैमरे आपको रेडमी स्मार्टफोन में भी देखने को मिलने वाले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोनों के फ्रंट कैमरे के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोनों के फ्रंट कैमरे के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला। वहीं दूसरी ओर बात करें दोस्तों रेडमी नोट 10T स्मार्टफोन की, तो दोस्तों उसमें भी आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी वेरिएंट और चार्जर वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो मतलब बैटरी कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो की, तो दोस्तों ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे नीचे मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन में क्या चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा, यदि किया जाएगा तो दोस्तों वो कितने वोल्ट का चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपको पता है
आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं 5000 mAh की, तो ओप्पो F53s स्मार्टफोन में आपको बैटरी वेरिएंट देखने को मिलने वाला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेडमी नोट 10 5G स्मार्टफोन की, तो दोस्तों उसमें भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड नॉट रिमूवल बैटरी देखने को मिलने वाले। साथ में दोस्तों इसमें आपको चार्जर वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों वो आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोनों के स्पेसिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, अब स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोनों के मतलब प्राइस रेट के कंपैरिजन के बारे में, तो दोस्तों फीचर्स दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर देखने को मिलने वाले, यानी कि वाईफाई ब्लूटूथ जीपीएस एंड 4G एंड 5G LTE का सपोर्ट एंड दोस्तों साइड पैनल पर पावर ऑन और ऑफ का बटन एंड दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन भी आपको इन दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर साइड पर देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों माइक्रो एसडी कार्ड एंड 3.5 mm का जैक भी आपको दोनों स्मार्टफोनों में सिमिलर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोनों के प्राइस रेट कंपेरिजन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओप्पो A53s 5G स्मार्टफोन का 6GB रैम और दोस्तों 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला स्टोरेज वेरियंट की प्राइस, तो दोस्तों वो हमारे भारतीय मार्केट में होने वाली है दोस्तों 15,999 रुपए और दोस्तों इसे आप ओनली फॉर फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं यदि आपको ये स्मार्टफोन अच्छा लगता है। और दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन है आज का हमारा रेडमी नोट 10T, तो दोस्तों उस स्मार्टफोन के हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस होने वाले दोस्तों उस स्टोरेज यानी 4GB रैम और 264GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट के हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस होने वाले दोस्तों 14,499 रुपए। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोनों की स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन फीचर्स कंपेरिजन एंड दोस्तों प्राइस रेट कंपेरिजन आपको कैसे लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे ही नई कंपैरिजन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।